हुनर एक कला केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 3 से 5 साल तक के बच्चे के लिए ये टोपी बनाए हैं। अच्छा लगे तो वीडियो पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए, हम 5 चेन बना लेंगे, 5 चेन बनाने के बाद इसको अब हम ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए 5 चेन हो गया, अब इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। तीन चेन बनाएंगे, और अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 15 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया बनाते हैं। पंद्रह डबल क्रोशिया हो गया है, तो यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, सॉरी 2 चेन बनाएंगे, और यहाँ पे देखिए हम 2 हाफ डबल क्रोशिया 1 चेन के अंदर बनाएंगे। 2 हाफ डबल क्रोशिया मतलब जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं तो 2 बार बीनते हैं, तो इसको एक बार ही बीनना है, और एक ही चेन के अंदर इसको हम 2 बार बनाएंगे। यानी कि इसको जो 15 हम डबल क्रोशिया बनाए थे पहले, उसको अब हम 30 बना देंगे। यानी कि दो दो बार बनाएंगे हर एक चेन में, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया। तो हाफ डबल क्रोशिया बना के 30 बना लेते हैं इसको। तो देखिए ये हमारा 30 हो गया है, और इसको फिर से हम ज्वाइंट कर लेंगे। और अब हम 3 चेन बनाएंगे, देखिए जहाँ पे हम ये बनाए हैं ना 3 चेन, उसी चेन में हम डाल के फिर इसको डबल कर दिए, 2 बार बना दिए। तो 1 चेन वाला हुआ और 1 डबल क्रोशिया बनाया। फिर अब हम इसमें 1 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे दूसरे चेन में। फिर तीसरे चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर बार इसी तरह करेंगे हम, 1 बार डबल बनाएंगे एक ही चेन में, और 1 बार सिंगल बनाएंगे। तो फिर से हमारा ये 15 चेन फिर बढ़ जाएगा। तो यानी कि अभी 30 हो गया है, तो अब ये 45 हो जाएगा टोटल। तो 1 बार सिंगल बनाना है एक चेन में, और 1 बार 2 बार बनाना है, यानी डबल 2 डबल क्रोशिया बनाना है एक ही चेन में, और 1 बार 1। तो इस तरह से इसको हम पूरा तैयार करेंगे, पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हम तीसरा रो भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये 45 हो चुका है, यानी 45 हो चुका है डबल क्रोशिया। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे, और पहला वाला जो चेन बनाया है उसी में डाल के इसको हम 2 बार बना लेंगे, यानी कि डबल हाफ क्रोशिया को 2 बार बनाएंगे। फिर 1 बनाएंगे, एक और बनाए, देखिए अब ना 1 बार बनाएंगे एक चेन में 2, और फिर
दो सिंगल सिंगल बनाएंगे, फिर तीसरे चैन में डबल बनाएंगे। तो देखिए एक बार बनाना है सिंगल सिंगल दो बार और एक बार डबल, तो इस तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे हम पूरा। तो देखिए ये रो भी हमारा कंप्लीट हो गया और इसको यहाँ पे हम ज्वाइंट कर दिए। तो फिर से हम तीन चेन बना लिए और उसमें ही फिर एक और डबल क्रोशिया बना लिए उसी चेन में। तो तीन चेन बनाए हैं, उसके बाद हम डबल क्रोशिया बनाए। तो देखिए एक बार एक ही चेन में दो बार बनाए हैं, ये सिंगल वाला अकेले है। फिर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन में एक, दूसरे में भी एक, और तीसरे में भी हम एक ही बनाएंगे। चार हम बना लिए हैं और चौथा बनाने के बाद, चार बनाने के बाद पांचवा वाला में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाए हैं, यानी कि चार हम बनाएंगे सिंगल सिंगल और एक बार डबल बनाएंगे। तो अब हम इसी तरह से ये रो पूरा कंप्लीट करेंगे, चार चेन में सिंगल डबल क्रोशिया और एक पांचवा चेन में हमेशा डबल, दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये रो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये रो भी हम कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम इसको फिर से ज्वाइंट कर देंगे। तो ये जो तीन चेन है ना, इसका तीसरा वाला जो चेन है उसमें डाल के हम ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम इसमें मतलब फंदा नहीं बढ़ाएंगे और अब हम इसको देखिए इस तरह से जो है डबल हाफ क्रोशिया जो बनाए हैं, तो दो चेन बना लिए और इसको हर एक चेन में डाल के इस तरह से हाफ क्रोशिया जो होता है डबल हाफ क्रोशिया उसको बनाएंगे। तो ये फंदा डाल के बनाते हैं इसीलिए इसको डबल हाफ क्रोशिया बोलते हैं, अगर बिना फंदा डाले बनाते हैं तो उसको सिंगल क्रोशिया बोलते हैं। तो इस तरह से इसको पूरा रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इसमें कहीं पे भी घर को बढ़ाना नहीं है, बस इतना ही रखना है। आप चाहे बड़ा बना रहे हैं तो थोड़ा और एक बार बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, जैसे 5-6 चेन के बाद बाद एक बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे इसको। देखिए इस तरह से डालेंगे आगे वाला लूप जो है उस तरफ का, उसमें डालेंगे और उसमें सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो पूरा
पूरा रो इसी तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे अभी हम बनाए थे सिंगल सिंगल क्रोशिया, तो एक रो और तैयार कर लेंगे हर एक चेन में डाल डाल के सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, और ये रो भी इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये भी रो कंप्लीट हो गया और इसको भी ज्वाइंट कर लिए। अब हम तीन चेन बनाएंगे और हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो सभी में एक एक डबल क्रोशिया हर एक चेन में बना लेंगे। और इस तरह से इसको भी पूरा रो को हम सिंगल सिंगल चेन में सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक चेन में बनाना है एक एक डबल क्रोशिया, तो इसको बना लेते हैं। तो देखिए ये रो भी कंप्लीट हो गया और यहाँ पे इसको हम ज्वाइंट कर देंगे। देखिए तीन चेन बनाएंगे और उसके बाद वाला जो है, हाँ यहाँ पे, तो इसमें हम दो बार जैसे पफ बनाते हैं ना, तो दो बार तो लेकिन कि उसमें चेन से निकालते हैं, लेकिन हम इसको डबल क्रोशिया जो नीचे वाला है उससे निकाल के इसको इस तरह से बिनेंगे डबल क्रोशिया, फिर पीछे के साइड से उसके जो बाद वाला है डबल क्रोशिया उसको नीचे से पीछे की ओर से लेते हुए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है, फिर इसको आगे की तरफ से दूसरा वाला में। तो एक बार हमको पीछे साइड से सिंगल करना है और दूसरे बार में दूसरे वाले डबल क्रोशिया में पफ बनाते हुए इस तरह से डबल क्रोशिया बिनना है। तो इसी तरह से हमको पूरा रो कंप्लीट करना है। तो इसको ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसको भी पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे पहले ये रो। अब ये रो पूरा कंप्लीट हो गया तो अब हम इसको इसके बाद ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए
जो पहला पफ बनाए थे उसी वाले चेन को निकाल के इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम फिर से तीन चेन बनाएंगे और हर एक चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक एक डबल क्रोशिया हर एक चेन में बनाएंगे और पूरा रो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये रो भी कंप्लीट हो गया और अब हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। और फिर जैसे हम पहले रो में बनाए थे ना डिजाइन पफ वाला, वही बनाना है। तो तीन चेन बनाएंगे और उसके बाद वाले डबल क्रोशिया जो बनाए थे उसके अंदर से इस तरह से पफ निकालेंगे और इसको बनाएंगे। और एक एक डबल क्रोशिया जो है उसके पीछे साइड से इस तरह से निकाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमको बनाना है, पांच लाइन हम बनाएंगे टोटल, ये पफ वाला और ये डबल क्रोशिया दोनों मिला के, यानी कि 10 बार हमको बिनेंगे तो ये पांच लाइन कंप्लीट होगा डिजाइन। तो हम पांच लाइन बना लेते हैं, लेकिन अगर आप बड़ा टोपी बना रहे हैं तो उसमें आप 6-7 लाइन भी बना सकते हैं। तो हम पूरा पांच लाइन बना के फिर आपको दिखाएंगे। हम पांच लाइन ये पूरा बना के कंप्लीट कर लिए हैं। तो एक बार ये पफ वाला बनता है और एक बार डबल क्रोशिया प्लेन बनता है। तो ऐसे करके हमको 10 टाइम इसको 10 लाइन बनाना होता है। तो हम इसको बना के तैयार कर लिए हैं। अब हमको इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये हम बनाएंगे 3 से 4 लाइन। तो इस तरह से ये अब हम बॉर्डर बना लेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे टोपी को। तो बहुत ही आसान है। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा बना के। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके बताइएगा। और भी जो आप लोगों की इच्छा हो जानने की तो बताइएगा कमेंट्स में, तो हम बना के दिखाएंगे।